हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के जरिए अच्छी खबर देने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें ताकि कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन छूट न जाए। इस वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की पर ईयर की फीस काफ़ी ज़्यादा है। फीस के साथ साथ काफ़ी स्टेट में प्राइवेट कॉलेज बैंक गारंटी भी लेते हैं। बैंक गारंटी का मतलब यह है कि स्टूडेंट बैंक से यह लिखवा कर देंगे कि अगर स्टूडेंट पूरे कोर्स की फीस यानी 4.5 साल की फीस देने में असमर्थ है या बीच में कोर्स छोड़ता है तो पूरे कोर्स की फीस बैंक पे करेगा। इसके लिए स्टूडेंट को बैंक में या तो गारंटी के तौर पर पूरा अमाउंट FD के रूप में डिपॉजिट करना होता है जितने की वो गारंटी देता है, या फिर कुछ अमाउंट बैंक को डिपॉजिट करके बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक के पास मॉर्गेज रखने होते हैं। अगर मान लो किसी कॉलेज की फीस 10 लाख रुपए पर ईयर है और वो कॉलेज पूरे कोर्स की बैंक गारंटी लेता है तो पहले कोर्स की 10 लाख रुपए फीस जमा करवा देने के बाद में बाकी 35 लाख रुपए की वो कॉलेज बैंक गारंटी एक निश्चित परफॉर्मा में लेता है। बैंक एक 35 लाख रुपए की बैंक गारंटी बैंक से बनाकर देगा। अभी स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि अब आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर कोई बैंक गारंटी नहीं देनी होगी। ये जो आप दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस का 26 अक्टूबर 2019 का न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि इंडिया में प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज स्टूडेंट के एडमिशन के टाइम पर 1 साल की फीस ही लेंगे। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। अभी सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जिनमें MBBS और BDS कोर्स करवाया जाता है उनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि आपको स्टूडेंट से 4 साल की बैंक गारंटी के रूप में कोई फीस लेने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ एडमिशन के टाइम पर आप 1 साल की फीस ले सकते हैं। इसमें आगे लिखा है कि पिछले कुछ सालों से स्वास्थ्य मंत्रालय को इस विषय पर शिकायत मिल रही थी। यह बात विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है, क्योंकि बैंक गारंटी के कारण काफ़ी स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में अच्छे मार्क्स होते हुए भी एडमिशन नहीं ले पाते। हो सकता है कि वो प्राइवेट कॉलेज की फीस तो दे सकते हैं लेकिन बैंक गारंटी के रूप में इतने फीस दे पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो एडमिशन छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ी अच्छी खबर है कि अभी स्टूडेंट को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर सिर्फ 1 साल की फीस ही देनी होगी, कोई किसी प्रकार की बैंक गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। यह जानकारी थी स्वास्थ्य मंत्रालय की एक अच्छी खबर के बारे में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा पसंद शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।